एक महिला अपने पति के साथ गांव में रहते थे। उनको समाचार मिला कि कुछ डकैत गांव पर डाका डाल रहे हैं और चेतावनी दी है कि अपना धन संपत्ति पहले ही घर में बाहर निकाल के रखो नहीं मार डालेंगे। पति ने कहा मैं जाता हूँ और उनके साथ युद्ध करके आता हूँ। पत्नी ने कहा वो लोग इतने सारे हैं और इतने शक्तिशाली हैं, आप अपने हिसाब से प्रयास करो लेकिन मैं उनको अलग रूप से पराजित करने का प्रयास करूँगी। डकैत युद्ध करके बाकी लोगों को पराजित करके महिला के घर में आए तो महिला बड़ा श्रृंगार करके बैठी थी। डकैत और सारी टोली को उन्होंने बैठने के लिए सुंदर आसन दिया, बड़े प्रेम से उनको जल दिया और 56 भोग बनाया था उनको प्रेम से खिलाया। इतना स्वादिष्ट भोजन पाकर सब लोग अभिभूत हो गए। तब महिला घर के अंतःपुर से सारे आभूषण सोने चांदी सब लाकर उनके सामने प्रस्तुत करके कहती है हमारी अमानत हमारी संपत्ति सब आपके सामने प्रस्तुत, केवल मंगलसूत्र मैं अपने पास रख रही हूँ, बाकी सब आपको समर्पित। इसको देखकर डकैतों के नेता ने कहा आपने इतने प्रेम से इतने सम्मान से और इतने करुणा से हमारी सेवा की, हम आपके इस व्यवहार से प्रभावित हो चुके, हमारा हृदय परिवर्तित हो चुका, हम आपसे कुछ नहीं लेना चाहते, यहाँ तक कि इस गांव से हम कोई संपत्ति नहीं लेके जाएंगे। ऐसा कह के डकैत अपनी टोली को लेके वहाँ से चले गए। तब पति लौट के आए और पति लौट के आने के बाद कहते हैं अरे ये क्या हुआ, ये सारी संपत्ति यहीं पर है, डकैत आए नहीं थे क्या? पत्नी ने कहा डकैत आए थे लेकिन आप लोग उनको पराक्रम और शक्ति से जीतने का प्रयास किए, उनको हम सम्मान और प्रेम से जीत गए। शोभूते विश्व भावे न स्वसुखे नाभिवंदित जगाम स्वालयम तात पथम अनुव्रज नंदित। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण को द्वारका में मिलकर जब लौट रहे थे तब विचार कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे सम्मान और प्रेम के साथ मेरे साथ व्यवहार किया और उस व्यवहार के कारण मैं इतना कृतज्ञ हूँ कि मैं भगवान श्री कृष्ण से अन्य कोई अपेक्षा नहीं करता। इसलिए किसी को पूर्णतः संतुष्ट करना हो तो उसे सम्मान दीजिए, प्रेम दीजिए, दया और करुणा दीजिए और देखिए चमत्कार किस प्रकार हृदय परिवर्तन होता है।